हाय एवरीवन, ये क्वेश्चन ओलिम्पियाड से लिया गया है और मैं रीड आउट कर दूंगा क्वेश्चन फर्स्ट और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन गोज लाइक दिस। फ्रॉम अ टाउन कार्स स्टार्ट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 30 सेकेंड एंड रन टूवर्ड्स अनदर टाउन विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द कार्स simultaneously have to reduce their speeds to 40 kilometer per hour due to bad weather conditions. What will be the time interval between arrivals of the cars at the second town during the bad weather? So let's start working on the solution. इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ दो टाउन है, एक टाउन अगर ए है और दूसरा टाउन बी है। ऑल द कार्स आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी विथ ए इनिशियल स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ईच कार इज सक्सेसिव कार मीन्स नंबर वन कार इफ स्टार्टिंग एट टी इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड कार स्टार्ट एट टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड, मीन्स 30 सेकेंड का गैप है ईच सक्सेसिव कार में। सो नंबर वन कार एट टी इज इक्वल टू जीरो, नंबर टू कार विल स्टार्ट एट टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड, नंबर थ्री सिंस इट इज फॉलोइंग नंबर टू विल स्टार्ट एट टी इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड सो ऑन। So time interval of starting between the two successive car is TI is equal to 30 seconds given in the questions. Now the third part of the question says that all cars have to reduce their speeds to 40 kilometers per hour due to weather conditions. The weather goes bad. So if we say that speed as VW when the weather is bad, that is 40 kilometer per hour. Find out क्या करनी है? जब ये speed drop 40 kilometer per hour का हो गया, तो each successive car town B में कितने time interval gap के बाद पहुंचेगा? So अगर मैं उसको TG से नोटेट करूं तो दिस हैज टू फाइंड आउट। अब इस प्रॉब्लम को ऐसे देखिए, जब सारे कार इनिशियली VI से स्टार्ट हुए हैं और दो कार के बीच में 30 सेकेंड का गैप है स्टार्ट होने में, तो उस बीच में दो कार के बीच का गैप कितना हो जाएगा? सो यू कैन कैलकुलेट वेरी इजिली। अगर मैं उसको DG बोलूं, VI into TI, अब हम लोग उस केस को अज्यूम करते हैं कि कार वन बी पे पहुंच गया है, तो कार टू कहां होगा? देखिए हर कार का स्पीड सेम है, इसलिए रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कार्स विल बी जीरो। मीन्स जो डिस्टेंस गैप जो इन लोग दो कार के बीच में बना हुआ है, दो सक्सेसिव कार के बीच में बनी हुई है, वो कांस्टेंट होगा एंड दैट विल बी DG। ओके, तो व्हेन द कार वन रीचेज एट बी, सो वेयर विल द कार टू शुड बी? इट शुड बी DG डिस्टेंस बिहाइंड। But at the same time in the question it is given that now the speed of the car 2, all the speed of the car 2, or you can say all the cars has reduced to 40 kilometers per hour, that is VW. So car 2 ko VW speed se, yahan pe iska VW speed se, is DG distance ko
कवर करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टी जी, इसको निकालना है. तो इट हैज बिकम वेरी सिंपल नाउ. वी डब्ल्यू इंटू टी जी इज इक्वल टू डी जी, दैट इज वी आई इंटू टी आई. सो टी जी will be vi by vw into ti. (60/40)×30, and that is 45 seconds. तो ये आपका आंसर होगा. क्यों? क्योंकि सारे कार एक दूसरे को सेम स्पीड से फॉलो कर रहे हैं. तो अगर कार टू अगर 45 सेकंड्स में आफ्टर बी रीच करता है, तो कार थ्री विल बी रीचिंग 45 सेकंड्स आफ्टर द कार टू रीचेस एट बी, एंड सो ऑन. सो क्वेश्चन इज सॉल्व. एंड होपफुली द कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑन दिस. द अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम इज अप्रोच टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज क्लियर ऑन दिस. इफ एनी डाउट प्लीज Write in the comment box. I'll come back on it. Thank you.